सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ मंदिर में पूजा करने से पहले पुरुष श्रद्धालुओं को महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करना जरूरी है, उसके बाद ही वह मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वह मंदिर कौन सा है। हमारे देश में मंदिरों को लेकर तरह तरह की मान्यताएं हैं और उनका पूरी श्रद्धा के साथ अनुसरण भी किया जाता है। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां महिलाओं की प्रवेश पाबंदी को लेकर चर्चाएं हमेशा रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहां पुरुषों के प्रवेश पर भी पाबंदी है। केरल में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां पूजा के लिए पुरुष श्रद्धालुओं को विशेष तैयारी करनी पड़ती है। यहां एक बेहद अनोखी परंपरा का निर्वहन किया जाता है, उसके बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश करने एवं पूजा करने की अनुमति दी जाती है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार मंदिरों में पूजा अर्चना करने के अलग अलग नियम कायदे बनाए गए हैं। केरल के कोल्लम जिले के कोट्टनन कुलगरा श्री देवी मंदिर में पूजा करने से पहले पुरुष श्रद्धालुओं को महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करना जरूरी है, तभी वह मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। बताया जाता है कि मंदिर में इस तरह से देवी की आराधना की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हर वर्ष मंदिर में चाम्या विलुक्कू त्योहार का आयोजन किया जाता है। मंदिर में पुरुषों के लिए बकायदा श्रृंगार के लिए मेकअप रूम भी बनाए जाते हैं, जहां त्योहार में शामिल होने के लिए हजारों पुरुष इकट्ठा होकर सस्ते सवरते हैं। उसके बाद ही माता की पूजा कर धन दौलत, नौकरी, स्वास्थ्य, शादी एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। बताया जाता है कि यह राज्य का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह के ऊपर छत या कलश नहीं है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ पर हर वर्ष 23 और 24 मार्च को चाम्या विलुक्कू त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर पुरुष महिलाओं की तरह साड़ी पहनते हैं एवं 16 श्रृंगार करने के बाद माँ भाग्यवती की पूजा करते हैं। मान्यता ये भी है कि वर्षों पहले इस जगह पर कुछ चरवाहों ने महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर पत्थर पर फूल चढ़ाए थे, उसके बाद पत्थर से दैवीय शक्ति निकलने लगी। बाद में इसे एक मंदिर का रूप दे दिया गया। बताया जाता है कि कुछ लोग इस मंदिर पर नारियल फोड़ रहे थे, उसी दौरान पत्थर से खून बहने लगा। बहता खून देखकर यहाँ के लोग चमत्कार मान पूजा पाठ करने लगे, तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। आइए मंदिर के कुछ अनोखे फैक्ट के बारे में जानते हैं। ये काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ की परंपरा बिल्कुल अनोखी है। इस मंदिर में पुरुष बिना स्त्री का रूप धारण किए प्रवेश नहीं कर सकते। माना जाता है कि यह देवी का मंदिर है, इनकी पूजा का अधिकार महिलाओं को मिला है। ऐसे में पुरुष इस मंदिर में अपने सामान्य रूप के साथ प्रवेश नहीं पा सकते। नंबर 2, मंदिर में जाने के लिए पुरुषों को साड़ी पहननी होती है, साथ ही उन्हें पूरे 16 श्रृंगार करना होता है, तभी वह स्त्री जैसे दिखते हैं। लोग यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 3, पुरुषों के सजने के लिए मंदिर परिसर में एक कमरा बनाया गया है। यहाँ स्त्रियों की वेशभूषा से लेकर नकली बाल एवं गहने मौजूद हैं। कई पुरुष अपनी मन्नत पूरा होने पर यहाँ श्रृंगार का सामान भी भेंट करते हैं। नंबर 4, मान्यता है कि इस मंदिर में जो पुरुष सच्चे मन से मुराद मांगता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर में महिलाओं के अलावा पुरुष भी आस्था रखते हैं, तभी यहाँ आयोजित होने वाले विशेष उत्सवों में मर्दों की संख्या ज्यादा होती है। नंबर 5, इस मंदिर में चाम्या विलुक्कू उत्सव मनाया जाता है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश के हर कोने से पुरुष आते हैं। मर्दों के अलावा यहाँ ट्रांसजेंडरों की भी भीड़ होती है। उनका मान्यता है कि जहाँ समाज में उन्हें तिरस्कार मिलता है, वहीं इस मंदिर में उन्हें मान सम्मान मिलता है।
नंबर 6, ये मंदिर काफी प्राचीन है और आज तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही है। यहाँ मंदिर के ऊपर ना तो कोई छत है ना ही कोई कलश है। यह राज्य का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जिसके गर्भगृह के ऊपर छत या कलश नहीं है। नंबर 7, इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों के कपड़े पहनने के पीछे एक पौराणिक मान्यता बताई जाती है। मान्यताओं के अनुसार कुछ चरवाहों ने मंदिर के कपड़े पहनकर पत्थर पर फूल चढ़ाए थे, जिसके बाद इस पत्थर से दिव्य शक्ति निकलने लगी। नंबर 8, बताया जाता है कि चरवाहों के ऐसा पूजा करने के बाद से ही ये मंदिर बनाया गया। हालांकि इसे दूसरों मंदिरों की तरह ज़्यादा भव्य नहीं बनाया गया, मगर इसकी महत्ता को लेकर लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 9, मंदिर के सिलसिले में एक और जहाँ कहानी प्रचलित है, जिसके तहत कुछ लोगों ने मंदिर में मौजूद एक पत्थर पर नारियल फोड़ रहे थे, तभी पत्थर से खून निकलने लग गया था, जिसके बाद से यहाँ की पूजा प्रारंभ हुई। नंबर 10, माना जाता है कि देवी यहाँ पत्थर के स्वरूप में विराजमान है, तभी पत्थर से खून बह रहा था। यहाँ पूजा करने एवं दर्शन करने मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भक्तजन, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा हिंदू धर्म और सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेंगे। हम भी आपके मंगलमय जीवन के लिए कामना करेंगे। बाय बाय दोस्तों।